नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कोतवाली थाना क्षेत्र के शीतला देवी त्राहे पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने वृद्ध को टक्कर मार दी, जिसकी वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के शीतला देवी त्राहे पर एटा निवासी शिवराम मिश्रा पुत्र राम मनोहर मिश्रा को रोडवेज बस ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शिवराम मिश्रा वर्तमान में देवी रोड स्थित गौशाला में रहते हैं। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। क्या नाम है आपका? हमारा राम नारायण मिश्रा। अच्छा, ये पोस्टमार्टम हाउस आप क्यों आए हो? ये हमारे चाचा हैं। क्या नाम? शिवराम मिश्रा। तो वो एटा से आ रहे, तो वो एटा ही में रहते, मतलब उनका घर वहीं एटा में है और फिलहाल यहाँ रहते थे आश्रम में। गौ आश्रम है ये देवी रोड पे, उसमें रहते थे। तो वो अपने घर से आए थे यहाँ, और ये जो देवियों का तिराया है, नुमाइश तिराया, वहाँ पे वो उतर गए थे और सड़क क्रॉस कर रहे थे। मैनपुरी साइड से रोडवेज की बस नंबर UP84T1368 उधर से पास हुई। बहुत तेज़ी में था वो ड्राइवर और ठीक से बैलेंस में नहीं चला रहा था, तो वो किसी तरह से उससे बस से टकरा गए रोडवेज की से, और स्पॉट पे ही एक्सपायर हो गए। ब्रेन में बहुत चोट आई उनकी, मतलब बिल्कुल पूरा डैमेज हो गया ये ऊपर का और दूसरा।